सुनिए, आप यहाँ आ जाइए। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। देखिए, आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही अच्छा बर्ताव करने की। आपको जो सही लगा आपने वो किया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। और वैसे भी आपका ना करना बिल्कुल जायज है, क्योंकि मैं जानती हूँ आपकी और मेरी कोई बराबरी नहीं है। चाहकर भी हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते। वो तो मेरे घर वालों की गलती है जिन्होंने आपके घर मेरा रिश्ता भेजा। देखिए, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं। पहले भी आप मेरी कितनी मदद कर चुके हैं, और किसी से ज्यादा उम्मीद करना भी तो ठीक नहीं है ना। जी आप क्या कह रही हैं? मैं आपकी ना कबूल कर चुकी हूँ, बस आपसे एक विनती है, मेरे साथ और अच्छा बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझ पर कोई दया कर रहे हैं। देखिए प्लीज, आप ऐसा मत कहिए, और यकीन मानिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। कल आपकी आई का फोन आया था कि आपने शादी के लिए इनकार। यकीन मानिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मुझे शादी नहीं करनी तो फिर फोटो देख के क्या करूंगा। सुनिए, देखिए आप गलत समझ रही हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो रिश्ता आपके घर से है। मैंने बिना देखे ही मना कर दिया था। जी, क्योंकि मुझे कोई और पसंद है। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे शादी करेगी कि नहीं। मैं अपने आप को उसके काबिल भी नहीं समझता, लेकिन आज तक मैंने उसके सिवा किसी के बारे में सोचा भी नहीं। इसलिए जब आई ने किसी और रिश्ते की बात की तो मैंने बिना देखे ही। अब आप समझ रही हैं ना? ऑटो, मैं पप्पा से आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि वो लड़की जल्दी आपकी जिंदगी में आए और आपको ढेर सारी खुशियां दे। मैं चलती हूँ। अपना गणपति बाप्पा है ना? आए ना गणपति बाप्पा, तेरी चाहत ही बापा की चाहत हो सकती है। आप इसे रख लीजिए, मैं चला जाऊंगा गाड़ी से।